हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को एक डिलीशियस चाउमीन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी सिस्टर बनाई है। मेरा वाला रेसिपी तो आप पहले ही देख चुके हैं मेरे चैनल में, तो अभी आइए ये वाला रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, दीदी ने चाउमीन के लिए जो जो चाहिए वो निकाल के रख दिया है। ये वाला चाउमीन पैकेट हम यूज़ कर रहे हैं और थोड़े से ऑयल भी निकाल के रख दिया है और जो मसाला चाहिए वो भी निकाल के रख दिया है। और उसके लिए सब्जी भी जो चाहिए उसने काट के रख दिया है। ऑनियंस, बीन्स, ग्रीन चिल्लीज, टमाटर, कैरेट और इसमें मेन इन्ग्रेडियंट है कस्तूरी मेथी एंड गार्लिक। तो आप कस्तूरी मेथी एंड गार्लिक अगर आप चाउमीन हो या फिर मैगी हो या फिर पास्ता हो अगर डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो फिर चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस। पहले तो थोड़े पानी गर्म कर दीजिए और उस गर्म पानी में आप वो नूडल्स को डाल के कुछ समय के लिए साइड में रख दीजिए। तो अभी चलिए गैस ऑन करके कढ़ाई रख दीजिए और उसमें जो ऑयल निकाला था, जैसे ही कढ़ाई गर्म होता है वो ऑयल डाल दीजिए। उसके बाद पहले आप ऑनियंस फ्राई कर दीजिए। ऑनियंस के बाद जो गार्लिक निकाल के काट के रखी थी दीदी वो डाल दी और इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। जैसे ही थोड़ा कलर चेंज होता है बाकी सारे सब्जी जो काट के रखे हैं वो डाल देंगे। अभी देखिए जो जो सब्जी काट के हमने रखे थे वो सारे डाल दिए इसमें। इसको थोड़े टाइम के लिए हम फ्राई करते हैं। स्वाद अनुसार नमक भी डाल दीजिए और जो मसाला निकाल के रखी थी दीदी, थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़े से मिर्ची पाउडर और थोड़े से गरम मसाला, वो हम सब ऐड कर दिया इसमें। देखिए सब्जी पूरी तरह से पक गई है। अगर कुछ कच्चा है, लाइक हमारा गाजर थोड़ा कच्चा था इसीलिए हमने थोड़े से पानी डाल के उसको पकाया और उसके ऊपर कस्तूरी मेथी जो निकाल के रखी थी दीदी वो डाल दी। अभी
ऑलमोस्ट पक चुका है। इसके बाद जो नूडल्स हमने गर्म पानी में भिगो के रखा था वो नूडल्स निकाल के इसमें डाल दी। तो अभी आप गैस बंद करके इसको मिक्स कर दीजिए सब्जी और नूडल्स को एक साथ। आप देख सकते हैं हमारा चाउमीन रेडी हो चुका है और कितना सुंदर भी दिख रहा है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप इस तरह बना के ज़रूर खाना। और मैं कस्तूरी मेथी और गार्लिक बोला था वो आप मैगी और पास्ता में भी डाल के बना सकते हैं। इसको हम चाउमीन बोलते हैं, आप मतलब नूडल्स भी बोल सकते हैं। तो बस ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।